बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीम, देती हूं पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज मैं बहुत क्विक सी रेसिपी और इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं। ब्रेकफास्ट की ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार आलू के कतले चटपटे मसालेदार जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ेदार मसाले और जायके शामिल हैं। और मेरी वीडियो को जो है लाइक क्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स क्या करें, जो चीज़ें आपको पसंद हो ना पसंद हो। और दूसरी बात कि मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, और अपनी फीडबैक से भी मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही है। इसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि मैं ला रही हूँ इसी तरह की बहुत क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए। तो चलें इस वीडियो को देखने के लिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और उसमें हम ये डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है मेथी दाना। ये तकरीबन 1/2 किलो आलू है। आलूओं को जो है मैंने ये देखें धो लिया है, और धोने के बाद इस तरह के जो है मैंने इसके गोल गोल स्लाइस कट कर लिए। आलू के कतले हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से चटपटे से। मेथी दाना देखिए हमारा गोल्डन हो चुका है, यानी कि ब्राउन टाइप का हो चुका है। अब इसके अंदर जो है आलू ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तकरीबन ये 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी है वो मैं डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ जीरा है, 4 जो है ये मेरे पास दरमियानी साइज के टमाटर है स्लाइस कट किए हुए वो मैं इसमें डालूंगी, सॉल्ट नमक हद जाएगा। अब इसे हम बहुत अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, तमाम मसाले जो हैं वो आलूओं में मिक्स हो जाएं, और इसकी तकरीबन जो है हम 2 से 3 मिनट तक की भुनाई करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। ये आप देख रहे हैं टमाटर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं मिक्स हो गए हैं, और ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। अब इस पोजिशन में जो है हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना पानी ऐड करना है कि आलू जो है हमारे गल जाए, ठीक है। ये देखें तकरीबन 1 से 1.5 कप के दरमियान जो है हमने इसमें पानी डालना है, और डालने के बाद जो है इसे हल्की आंच में जो है दम पर रख देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है आलू गल जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो हम ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट मैंने इसको रखा है लो फ्लेम में। अब बहुत ज़बरदस्ती हमारी ये आलू की तरकारी जो है, आलू के जो कतले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो ऐड कर रही हूँ ये है कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और हरी मिर्च स्लाइस। इसे हम ढक कर तकरीबन 1 मिनट के लिए और रख देंगे। ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया है, बहुत प्यारा सा जो है कलर इसका आया है, बहुत खुशबू इसकी जो है ज़बरदस्ती आ रही है पूरे किचन में। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा उलट पलट करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा जो है हमारा आलू भी जो है ये देखें गल गया है। तो चलें, उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी झटपट सी आपको बहुत पसंद आई होगी। ओनली 10 मिनट्स में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है नाश्ते में, और इसे जो है खाने के तौर पर यूज़ करें, बहुत मज़े का लगेगा। चपाती के साथ या राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। तो चलें हम इसे शौक करते हैं। के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हजार हजार नेमतों से सजाए रखे।